Hello you all, welcome back to Study Academy 98. So, as we were doing fractional numbers, chapter number 4 of class 5th mathematics, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वगैरह ये सब सीख लिया था. तो मैंने आपसे बोला था कि हम लोग एक टेस्ट करेंगे, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पे रिलेट होगा, और उस पर अगले एपिसोड में हम लोग एक नॉर्मल टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस ऐड करेंगे, उसमें एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के, एवरी. तो चलिए आज का अपना टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और वो टेस्ट हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं. तो आज के क्वेश्चंस बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत थोड़े भी क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हैं. होप करती हूँ कि आप लोगों को सब याद होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है. इफ़ आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर तो चल के स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले रूल्स देख लीजिए, आपके रूल्स क्या हैं. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट. तो होप करती हूँ कि आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए होंगे. तो चलिए ये सारे काम अभी अभी तुरंत तुरंत होने चाहिए, है ना? तो चलिए जल्दी से कर दीजिए सारे काम जो रूल्स में लिखे हैं, फिर हम लोग वीडियो को, अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ आपका. जस्ट अ सेकेंड. नाउ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने हैं. तो ये आपका टेस्ट है. रिमेंबर डैट दिस इज योर टेस्ट. ये आपका टेस्ट है, आपको रिमेंबर करना है, ठीक है? तो चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है. दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7 इज द करेक्ट. यस, 6/7. सो लेट अस मल्टीप्लाई इट. एंड बिफोर की प्लाइंग, तो आपको तो पता ही है आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में तो मैं आपको आंसर बताऊंगी नहीं. तो पहले आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए एंड फॉर री चेकिंग मैं आपको आपके आंसर्स बता दूंगी. चलिए, तो टेक योर टाइम एंड यू कैन ऑल्सो लीव द कमेंट इन द यू कैन ऑल्सो लीव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. बट डोंट वरी, आई विल गिव यू द DIY क्वेश्चंस, मीन डू इट योर सेल्फ क्वेश्चंस. सो आप उसके क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना इम्पॉर्टेंट है. ओके, चलिए स्टार्ट करिए. तो ठीक है, अब चलिए मैं आपको आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ. होप करती हूँ कि आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया होगा. ओके, तो आपका आंसर है, अब देखिए पहले हम इसे रीअरेंज करते हैं. तो 3/5 सब भूले तो नहीं है ना? हाँ, हम लोग इसे क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. मल्टीप्लाई 7/6 कर दिया रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया. अब उल्टा फुल्टा करने के बाद इसे इससे और इसे इससे. चलिए जल्दी से करिए. तो 3 1 टाइम 6 2 टाइम 5 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा. जाएगा नहीं जाएगा, रिमूव इट एंड नाउ जस्ट मल्टीप्लाई. तो 1 7 7 एंड 5 2 10 7/10 इज द करेक्ट आंसर. क्या आपका भी आंसर 7/10 आ रहा है? नो प्रॉब, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. इज इट एब्सोल्युटली करेक्ट. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. ओके, होप करती हूँ कि आप लोगों को सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा. तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/14 मल्टीप्लाई 7
upon 7 upon 2. 7 upon 2, it is very easy. तो चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. तो मैंने कुछ हाईलाइट किया है, तो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए हाईलाइट किए क्योंकि इसकी आपको आई थिंक आंसर्स में आपको थोड़ा सा क्लू दे सकता है. इट कैन गिव सम क्लू. तो मैंने आपको क्लूज दे दिए हैं, तो चलिए होप करते हो कि अगर आपको क्लूज नहीं समझ में आएंगे तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट क्लू है, चलिए आंसर्स करते हुए क्लू देखेंगे, आंसर्स करते हुए क्लू देखेंगे. ये था हमारा क्लू, ये डैश भी था. तो चलिए अब अपना क्लू देख लीजिए आप, आपका क्लू क्या है, ये कैसा क्लू है. तो देखिए 27 7 से कटेगा, 14 2 से कटेगा. तो रियल रेंज तो करना है 27 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, इसलिए तो मैंने माइनस का साइन लगाया. मीन्स ये इससे वो उससे. अब आया ना समझ में, ये था आपका क्लू. तो ऐसे भी मैं आपको क्लू दे सकती हूँ, ओनली टफ क्वेश्चंस में मैं आपको क्लू दूँगी. ये तो मेरा एक साइन था. ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से कट कर लेते हैं. 27 जाएगा 3 टाइम्स, 7 जाएगा 1 टाइम, 14 जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, एंड 2 जाएगा 1 टाइम. 3 वन जा 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 इज नॉट डिविजिबल, सो आंसर इज 7, 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7. चलिए आपका आंसर होप करते हो कि एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. अगर आपका भी आंसर 3 अपॉन 7 ही आया तो बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ ना. अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है. ओके, अब बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे लिखना है मेरे को डिवाइड करेंगे. अब डिवाइड द फॉलोइंग आपको करना है, डिवाइड करना नहीं भूले, नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड करना सिखाया था. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. ओके, जस्ट अ सेकेंड. तो क्वेश्चन है 3 अपॉन 7 डिवाइड बाय 7 अपॉन 3. ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट ला दिया है, एंड नथिंग इज देयर. तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए. होप करते हो कि आप लोगों ने अपना क्वेश्चन कर लिया होगा. चलिए आंसर देखते हैं इसका. 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7 है. अब क्या करेंगे, कोई कटेगा नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जा 9, 7 7 जा हाउ टाइम्स ए. ओके, तो 3 3 जा 9. देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, कौन सा मेथड अप्लाई किया, पहले ये समझ लीजिए. आंसर तो मैं आपको अभी बताती हूँ, रुकिए, पहले आप इसको समझ लीजिए हम लोग ने कैसे किया ये काम. पहले समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड किया. अब मींस डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना. हम लोग इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में करेंगे. तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, और हमें तो ये वाला इसको भी रेसिप्रोकल करना है, और इसको भी रेसिप्रोकल करना है, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा. तो सिमिलर मेथड इसमें भी अप्लाई कर दीजिए, सिमिलर मेथड. हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम लोग ने इसे उल्टा कर दिया तो इतना हो गया. उसके बाद हम लोग 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49. ओके, हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अब अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए DIY है. अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए DIY है, डू इट योरसेल्फ, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों का.
ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा न्यू टाइम कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन है, रमा बॉट 1/2 केजी एप्पल्स एंड 3/2 केजी बनानास, हाउ मेनी फ्रूट्स डिड सी ब्रॉट। ओके, तो अब जो राम है उसने क्या किया, उसने 1/2 केजी एप्पल्स लाए एंड 3/2 केजी बनानास लाए, हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही ब्रॉट। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वो कितने फ्रूट्स लाया, उसने 1.2 केजी एप्पल्स लाए, 1/2 केजी एंड 3/2 केजी बनानास लाए, तो अब उसने टोटली कितने फ्रूट्स लाए, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एडिशन। ओके, तो आई नो हियर वी आर डूइंग द वर्कशीट ऑफ डिवीज़न एंड मल्टीप्लीकेशन, बट टू रिमेंबर द कंसेप्ट वी कैन हैव सम फंस। तो हम लोग, मैंने यहाँ पे आपको एक ऐड का क्वेश्चन दिया है, डोंट माइंड इट। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करना चाहें, अगर इसको आपको खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं लिखना है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन अगले देने जा रही हूँ उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके ओके, तो आपका ये डिवीज़न का क्वेश्चन है या फिर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, मैं नहीं कुछ भी बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझा रही हूँ, शीला इज़ बेकिंग अ फ्यू केक, शीला इज़ बेकिंग फ्यू केक्स फॉर द बेक सेल फॉर हर स्कूल। अब जो शीला है वो कुछ केक बेक कर रही है, हमें नहीं पता कितने केक बेक कर रही है, अपने बेक सेल कंपटीशन के लिए स्कूल में। ईच केक रिक्वायर 21/2 कप्स ऑफ शुगर, अब हर एक केक 21/2 कप्स ऑफ शुगर रिक्वायर करता है, लेता है, हाउ मेनी केक्स कैन शी बेक इफ़ शी हैज़ 71/3 कप्स ऑफ शुगर। अब वो कितने केक बेक कर सकती है अगर उसके पास 71/3 कप्स ऑफ शुगर हो, तो ओके, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का अभी क्वेश्चन दूंगी, पर इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों ही करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आपको क्या करना है, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 17/8, सेकंड क्वेश्चन है 13/7 मल्टीप्लाई 3/49, थर्ड क्वेश्चन है 14/2 डिवाइड बाय 18/5 एंड लास्ट वन इज ओके 57/18 डिवाइड बाय 4/8, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लीव करना है। ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड, नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वन विथ द अदर टेस्ट वर्कशीट। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, एंड बिफोर लीविंग फॉलो द रूल्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बाय बाय।